तो मैं हूँ आपका उस एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामाहा FZS BS6 की मैं बात करूँ, 25 BS6 की मैं बात करता हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करी जाए तो इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो आपको हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन इस बाइक की जो टेल लाइट होगी वो आपको फुल्ली LED टेल लाइट मिल जाएगी। बात करी जाए तो इस बाइक की जो हेडलाइट होगी वो भी आपको फुल्ली LED मिल जाएगी। वहीं पे इस बाइक का जो बैटरी वॉट होगा वो आपको 12 वॉट की मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल जाएगी। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको मीटर इसका काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे को छोटा सा मीटर, काफ़ी क्यूट टाइप का मीटर लगता है। उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आपको इसके अंदर RPM मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाएगा, इसमें ऑडियो मीटर मिल जाएगा और इंजन मल्टी लाइट मिल जाएगी, यानी कि आपके इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लाइट आपकी ब्लिंक कर देगी। वो चीज़ मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सर्विस रिमाइंडर के बारे में आपको बता देगी कि कब आपको अपनी बाइक में सर्विस करानी है। अब इसके अंदर आपको जो मिलेगा, जैसे कंपनी के अंदर अब क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर आपको किल स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पे इसके अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। बात करी जाए तो इसके अंदर आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिलेगा जो कि डिजिटल मिलेगा, वो मुझे पर्सनली बहुत सारा अच्छा लगता है। कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि प्लेन के लिए फुट रेस्ट का जो प्लेन सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस बाइक की। अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पर लेके जाते हो, प्लेन में किसी को बिठा के लेके जाते हो, तो काफ़ी अच्छी इस बार कंपनी ने करा है, ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बाइक के अंदर आपको लो बैटरी इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको जो सीट मिलेगी वो स्प्लिट सीट नहीं मिलेगी, आपको स्टेप साइड की सीट मिलेगी जो कि लगती है, लेकिन खैर अच्छी चीज़ है क्योंकि कंफर्टेबली के लिए, या मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो कंफर्टेबल के लिए जो लॉन्ग सीट होती है वही ज़्यादा कंफर्टेबली मुझे लगती है। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, वो भी डुअल डिस्क के साथ। बात करी जाए तो इस बाइक की चेसिस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, तो इसके अंदर आपको जो चेसिस मिलेगी वो डायमंड टाइप की चेसिस मिलेगी। वहीं पे इस बाइक की जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी 795 mm की सीट हाइट मिलेगी, और वहीं पे इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस होगा 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। बात करी जाए तो इस बाइक का व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, जो कि है आपको 1360 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट जाने वाली है वो जाने वाली है 1075 mm की आपको इसके अंदर ओवरऑल हाइट मिल जाएगी। वहीं पे इस बाइक का जो ब्रिथ होगा वो मिलेगा 770 mm का ब्रिथ मिल जाएगा। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली 2015 mm की उसकी आपको ओवरऑल हाइट मिल जाएगी। इस बाइक का कर्व वेट काफ़ी अच्छा कर्व वेट है, जो कि है इसका 148 kg का आपको इसके अंदर कर्व वेट मिल जाएगा। अच्छा, बात करी जाए तो इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, अच्छा उससे पहले मैं आपको शॉकर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस बाइक के अंदर आपको जो रियल में आपको मोनोशोक सस्पेंशन मिल जाएंगे, और फ्रंट में आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। व्हील्स के लिए आपको इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे, वहीं पे साथ के साथ में इसमें आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, जो फ्रंट का जो टायर होगा वो होगा 100/80 का फ्रंट टायर होगा, और जो रियल टायर होगा वो होगा 140/70 का आपको इसके अंदर रियल टायर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के फ्रंट व्हील साइज़ की, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट व्हील साइज़ मिलेगा वो मिलेगा आपको 17 इंचेस का फ्रंट व्हील साइज़ होगा, रियल व्हील साइज़ होगा वो भी आपको 17 इंच का मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक, जो फ्रंट डिस्क ब्रेक होगा वो आपको मिलेगा 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस बाइक के, अच्छा हाँ, इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ है इसकी ब्रेकिंग पावर पर्सनली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, और दूसरा इसका लुक में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अट्रैक्टिव इस बाइक का लुक लगता है। मतलब जो अगर देखा जाए ना, एक मतलब अगर आपकी हाइट कम भी है, अगर आपकी हाइट 5'4" के आसपास भी है, तो वहाँ पर भी ये जो हाइट है इस बाइक की हाइट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि इस बाइक का इंजन। तो इस बाइक के अंदर आपको 249 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। जहाँ तक अभी मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि ये एयर कूल्ड है, वैसे जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ आई है एयर कूल्ड ही आने वाला है, और मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 20.8 BHP की पावर निकाल के देगा, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 20.1 Nm @6000 RPM पर। इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, वहीं पे इस बाइक का जो बोर होगा वो मिलेगा आपको 74 mm का बोर मिल जाएगा, वहीं पे इस बाइक का स्ट्रोक जो मिलेगा वो मिलेगा 58 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर इस बार मेरे पास जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि इसके अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा। अगर 6 स्पीड का गियर बॉक्स आ गया मज़ा आ जाएगा। एक चीज़ मैं थोड़ा चाह रहा था कि इस बाइक के अंदर ऑयल कूल्ड आ जाए, लेकिन अभी ये चीज़ ऐसी कंफर्म होकर आएगी तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको कॉल मिल जाएगी। वैसे अगर मुझे अभी कंफर्मेशन मिल जाएगी जब मैं इस वीडियो को बनाऊंगा एडिट करूंगा तो मैं वहाँ पर आपको लिख के दे दूंगा।
बात कर दिए तो इस बाइक की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, 14 लीटर की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, और ये बाइक जो है इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस बाइक को बड़ी प्यार से अच्छे तरीके से राइड करते हो, मतलब आप इसको रैश राइड नहीं करते और मतलब इकोनॉमिक स्पीड पर ही चलाते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक को मेंटेन रखते हो, तो भाई मैंने ये देखा 45 तक का भी माइलेज निकाल के दिया है लोगों को इस बाइक ने। मेरे दोस्त के पास जो बाइक है उस पर 45 तक का माइलेज निकाल के देती है, लेकिन वो जो है ना वो रैश राइड बिल्कुल नहीं करता, बहुत प्यार से बाइक चल रहा है। कभी कभी जैसे संडे राइड्स में हम लोग जाते हैं तो उसमें तो भाई घसीट देता है बाइक को, लेकिन माइलेज इसकी बाइक काफ़ी अच्छा निकाल के देती है। बात करी जाए तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो अगर आप इसको रैश तरीके से भी बाइक को चलाते हो तो ये आपको बड़ी प्यार से अराउंड फिर भी आप मान के 35 तक का माइलेज निकाल देगी, जो कि काफ़ी अच्छा है 250 cc के हिसाब से, काफ़ी अच्छा इसके अंदर मुझे चीज़ लगी। इस बाइक के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको नॉर्मल क्लच मिलने वाला है, स्लीपर क्लच का मैं वेट कर रहा था, बट खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो बाइक है ज़्यादातर एक कम बजट के जो पर्सन होते हैं, जो कम बजट होता है जिसका, और मतलब एक 250 cc की बाइक चलाते हैं, वो बंदे इस बाइक को लेते हैं, काफ़ी अच्छी भी बाइक है। और मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि मुझे ऑप्शन मिल जाए, मेरा प्राइस इतना और मैं अगर इस बाइक को लेने जाऊँ तो मैं बहुत प्यार से इस बाइक को लूँगा, क्योंकि यामाहा ने इस चीज़ पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, बाइक कर बात करते हैं इस बाइक के कलर्स के बारे में, तो देखो इस बाइक के अंदर आपको जो कलर्स मिलेंगे वो मिलेगा, एक मैट ब्लैक मिलेगा, एक आपको ब्लू मिलेगा, एक मिलेगा डार्क मैट ब्लू कलर मिलेगा, और एक मिलेगा मोटो जीपी एडिशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में, वैसे अभी तक मेरे पास प्राइसिंग का तो इसका ऑप्शन नहीं आया, लेकिन अगर मैं एक अंदाज़ा लगा के बताऊँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बाइक का अगर अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्राइस अगर इसका आएगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बाइक का जो प्राइस आएगा वो आएगा 150,000 एक्स शोरूम प्राइस इसका आ सकता है। अगर इतना आया, जैसे इसके तीन वेरिएंट आते हैं, अगर 150,000 इसका लोअर वेरिएंट रहा ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इस बाइक का इंजन के हिसाब से ये प्राइस काफ़ी इसके लिए काफ़ी सही है। तो यार अब सोचा था कि आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन आई थी तो आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन मत मत करो, क्योंकि हमारे साथ दिमाग नहीं खराब करना है, मेरे को चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।